हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 28 दिसंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य की सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की सरकार ने यहाँ पर कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है? ये किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। झारखंड की सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के जो ऋण है किसानों के, वो माफ किए जाएंगे और ऋण माफी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्हें संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त किए हैं, जैसे कि बैंक्स और ये जो जितनी भी चीजें हैं इनसे। यहाँ पर अगर कोई जमींदारों से कोई ब्याज पे पैसे उठाता है तो उनके माफ नहीं किए जाएंगे। और किसानों की आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए झारखंड की सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत यहाँ पर करी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। झारखंड के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री है यहां के हम हेमंत सोरेन। गवर्नर है यहां पर मुर्मू, जो है यहां पर द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की है, ठीक है। और अगर हम यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये है रवि रंजन। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें हैं यहां पर 81। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है ये स्थापित की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। गुजरात के अंदर यहां पर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की जो यहां पर स्टार्टिंग है वो यहां पर की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम एस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। लिथियम एक रासायनिक तत्व है और साधारण परिस्थिति में यह प्रकृति के सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाले ठोस पदार्थ है। रासायनिक जो चिन्ह है वो है Li यहां पर, और यहां पर परमाणु का जो संख्या है इसकी वो है 3। अब हम यहां पर बात करेंगे गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर। और अगर हम यहां पर बात करेंगे सीएम की तो वो है एम विजय रूपाणी, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य भी हैं जहां पर राजस्थान, MP और महाराष्ट्र जो है वो देखने को मिलेंगे। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की 182 है। गुजरात के समुद्री तट की जो रेखा है वो है 1214 किलोमीटर। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक, वसंत गल्फ, कच्छ मरीन, ठीक है। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें से गुजरात एक है। इसके अलावा राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी श्री रामचंद्र भंज देव के नाम पर। उड़ीसा सरकार ने उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है और राज्य सरकार ने नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मयूर भंज के राजा जो है श्री रामचंद्र भंज इन देव जो है इनके नाम पर रखा है। उड़ीसा की बात की जाए, स्थापना है 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफीक। राजकीय जो पशु है यहाँ पर वो है सांबर। पक्षी है इंडियन रोलर और वृक्ष है अशोक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। एक जो टारगेट है मेरा यहाँ पर डेली अचीवमेंट का, वो आप यहाँ पर पूरा करने की प्लीज हेल्प करें मेरी। और हाँ, जो आपसे लास्ट में टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसका रिप्लाई भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। आपको सिर्फ ABCD लिखना होता है, आप इसके अंदर इतना भाव क्यों खाते हो, है ना? तो कम से कम इसका यहां पर रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नया वित्त पोषक अनुपात जो है वो क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 60:40 का रेशियो है यहां पर। केंद्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में, अच्छा यहां पर 60 किसका है? देखो यहां पर केंद्र सरकार पहले है ना, तो यहां पर केंद्र सरकार का होगा 60 और राज्य सरकार का होगा 40, तो ये भी याद रख लेना।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 59,048 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसमें 60% जो व्यय है वो केंद्र सरकार करेगी, वहन करेगी, और 40% व्यय है वो राज्य सरकार वहन करेगी। भारतीय सॉफ्ट बॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? ये है, डी करेक्ट है यहां पर, नीतल नारंग जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सॉफ्ट बॉल बेसबॉल के समान एक खेल है और मैदान पर एक बड़ी गेंद के साथ रखा जाता है यहां पर, ठीक है, खेला जाता है यहाँ पर। स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1961 को। जो अध्यक्ष है वो है यहाँ पर नीतल नारंग, सेक्रेटरी है वो है एल आर मोरिया और सीईओ है वो है प्रवीण अनोकर। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है इसका उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहां पर नई दिल्ली में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। यहां पर अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। पहली महिला जो शासिका है वो है रजिया सुल्तान। दो पड़ोसी राज्य भी हैं जिसमें है हिमाचल जो यहां पर हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की सीटें 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। विजी की, यहां पर विजी की द्वारा जारी रिपोर्ट टॉप 100 बैंक वित्तीय संस्थाएं और बीमा जो है कंपनियों के कौन शीर्ष पर आए में, और शीर्ष पर आए यहां पर एचडीएफसी बैंक, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। यहां पर विजी की एक रिपोर्ट आई जिसे हम BFSI रिपोर्ट कहते हैं। यहां पर मूव्स और सर्कस 2020 जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 100 बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय संस्थानों और बैंक जो यहाँ पर बीमा कंपनी है उनके अंदर एचडीएफसी है वो टॉप पर रहा। कोरोना वायरस महामारी के बीच एफडीएससी बैंक ने अपने ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण यह शीर्ष स्थान पर रहा। टॉप 3 जो है वो है एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई। यहां पर एचडीएफसी की फुल फॉर्म होगी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्थापना अगस्त 1994 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है सीएम वासुदेव और एमडी जो सीईओ है वो है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। 2021 में होने वाला 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा, पुर्तगाल में। अगर हम यहां पर पुर्तगाल की बात करें यहां पर, तो राजधानी है लिस्बन और करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। नेशनल बास्केटबॉल लीग में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है यहां पर, इनका नाम है यहां पर सतनाम सिंह भामार। इन पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है 2 साल का। नेशनल बास्केटबॉल लीग में खेलने वाले जो भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं सतनाम सिंह भामरा, इन पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वे पिछले साल नवंबर में डोपिंग परीक्षण में विफल रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है यहां पर नाडा, इन्होंने यहां पर अस्थायी रूप से इन्हें निलंबित कर दिया है। नाडा की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध 19 नवंबर 2019 से लागू होकर 18 नवंबर 2021 को खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ सर्वाइवल पुस्तक जो है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है क्रिस्टीने स्मिथ ने। और कौन सा देश है वो 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। भारत ने तेल आयात बिल के साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है E20 ईंधन। भारत ने ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपने अपनाने के लिए, साथ ही तेल आयात जो बिल है इनके साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से E20 जो ईंधन है इसका प्रस्ताव रखा है। E20 ईंधन क्या है? यह वाहनों में इस्तेमाल होने वाला वह ईंधन है जिसका इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वाहनों में होने वाले उत्सर्जन में कमी करेगा और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि E20 में ईंधन जो है वो 20% इथेनॉल और गैसोलीन जो पेट्रोल है इसका मिश्रण है ये।
और इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी -11.8 से संशोधित करके कितना कर दिया है? ये कर दिया है माइनस में यहां पर 7.8, यानी कि हमें हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि सिकुड़ेगी। आज का जो आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो आपको कमेंट सेक्शन में यहां पर बताना है। इनमें से देखो 2 मिनट का टाइम लगेगा, ए बी सी डी ज्यादा टाइम लगता नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में करने में, तो जल्दी से देखें बताइए यहां पर। और आपको ये भी बताना है कि क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम उसका नाम क्या है और उसकी कैपेसिटी कितनी है और कहां पर कौन से स्टेट में, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर बतानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक तक हम यहां पर टारगेट रखते हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।